हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड से नाश्ता। तो नाश्ता बनाने के लिए हमने सबसे पहले आलू को उबाल लिया है। उबाल करके हम उसके छिलका निकाल लेंगे, फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम उसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ धनिया पाउडर, प्याज, चिली फ्लेक्स, नमक, सोया सॉस, इसे डालकर हम इसे एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे एक ब्रेड, हमने ब्राउन ब्रेड लिया है। ब्रेड के ऊपर हम लगाएंगे अपना स्टफिंग। इस तरह से हम आलू का स्टफिंग चारों तरफ फैला करके लगा लेंगे। हमने इस तरह से लगा लिया है। अब हम इस पे डालेंगे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा और प्याज, काली मिर्च पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, फिर हम लेंगे दूसरा एक ब्रेड, उस पर भी हम इसी तरह से लगा लेंगे। चारों तरफ फैला करके हम लगा लेंगे। इस तरह से हमने लगा लिया है। अब हम इसको उसके ऊपर रखेंगे, फिर हल्के हाथों से इस तरह दबा लेंगे। फिर हम साइड से भी थोड़ा थोड़ा लगा लेंगे इस तरह से। हमने इस तरह से लगा लिया है। अब इसको हम सेकेंगे, फिर हम गैस पर रखेंगे फ्राई पैन, उसमें डालेंगे घी या बटर। उसे गरम कर लेंगे। अब हम उसमें अपना डालेंगे ब्रेड, हमने इस तरह से ब्रेड को डाल लिया है। इसे हम एक साइड 2 मिनट तक पकाएंगे। अब 2 मिनट हो चुकी है, हम इसे पलट लेंगे। हमने पलट लिया है। अब दूसरी साइड भी हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे।
ऊपर से हम एक चम्मच और घी डालेंगे। इसे अच्छी तरह से दोनों साइड से पलट करके हम सेक लेंगे। हमने दोनों साइड से इसे सेक लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। फिर हम दूसरे को भी उसी तरह सेक लेंगे। हमने सारे को सेक लिया है। अब हम इसे बीच से काट लेंगे। इस तरह से हम काटेंगे। इसे कौन से हमें काटना है इसी तरह हम सारे ब्रेड को काट लेंगे। हमने सारे ब्रेड को काट लिया है इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने काटा है। अब हमारी सैंडविच बनके तैयार हो चुकी है। हम इसे तोड़कर भी दिखा देते हैं। देखिए किस तरह से दिख रही है। आप एक बार इस तरह से भी जरूर बना करके टेस्ट कीजिएगा।